क्लास फोर सब्जेक्ट बच्चों आपका हिंदी, और इसमें हम पढ़ रहे थे दोस्त की पोशाक। इसके मैंने कुछ प्रश्न उत्तर आपको करवाए थे और कुछ इसमें बचे हुए थे बाकी, तो इसको ध्यान से देखिएगा आप। पेज नंबर 40 है आपका, अपनी बुक ओपन कर लीजिए पेज नंबर 40। और इसमें है देखिए यहाँ पे घड़ों पानी पढ़ना, घड़ों पानी पढ़ना, ध्यान से देखिएगा पेज नंबर 40। नसीरुद्दीन की बात सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। देखिए इसमें क है, घड़ों पानी पड़ना एक मुहावरा है। ये क्या है? एक मुहावरा है। इसका मतलब क्या हो सकता है? पता लगाओ। तुम इसका मतलब पता करने के लिए अपने साथियों या बड़ों से बातचीत कर सकते हो या शब्दकोश देख सकते हो। आपके पास व्याकरण होती है हिंदी की, उसमें आप इसको देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, आपको भी अगर ढूंढना तो आप इसको ढूंढ सकते हैं। तो घड़ों पानी पड़ना, बहुत लज्जित होना, बहुत ही लज्जित मतलब शर्म आना बहुत ज़्यादा। फिर देखिए इसमें ख, इस मुहावरे को सुनकर मन में एक चित्र सा बनता है। तुम भी किन्हीं दो मुहावरों के बारे में चित्र बनाओ। कुछ मुहावरे हम देते हैं, तुम चाहो तो इनमें से कोई पसंद कर सकते हो। सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, ऊँट के मुंह में जीरा, दिया तले अंधेरा और ईद का चांद। ये क्या है बेटे? मुहावरे हैं। इन मुहावरों को बच्चों आपको करना है कॉपी पे, तो ध्यान से सुनिए। इसमें क्या लिखा है उन्होंने, सिर मुंडाते ही ओले पड़ना। जब हम क्या करते हैं, किसी काम को शुरू करने वाले होते हैं, काम शुरू करते ही बाधा पड़ना, मुसीबत क्या आ जाती है, काम करने से पहले मुसीबत आ जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, सिर मुंडाते ही ओले पड़ना। ऊँट के मुँह में जीरा, किसी चीज़ का ज़रूरत से कम मिलना। फिर दिया तले अंधेरा, अपनी बुराई का दिखाई ना देना, अपनी क्या है बुराई को जो दिखाई नहीं देती। ईद का चांद, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। तो इसमें देखिए बच्चों आपको क्या करना है, दो मुहावरे, वैसे तो आपको सारे लिखने हैं लेकिन दो मुहावरों को आपको क्या बनाना है, चित्र बना के समझाना है। तो यहाँ पे जैसे आपने ऊँट बना दिया और थोड़ा थोड़ा जीरा करके समझा दिया, फिर दिया बना दिया और उसके यहाँ पे अंधेरा बना दिया, तो दिए तले अंधेरा। तो आप दो चित्र जरूर बनाइएगा अपनी कॉपी पे, मुहावरे आपको सारे लिखने हैं। इसके बाद देखिए इसमें है, कौन है कैसा, कौन है कैसा। नसीरुद्दीन एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए। भड़कीली शब्द बता रहा है कि अचकन कैसी है, भड़की चटक फटक वाली। कहानी में ऐसे ही और शब्द छांटो जो किसी के बारे में कुछ बताते हैं, उन्हें छांट कर नीचे दी गई जगह में लिखो। तो ये मैंने आपके लिए ढूंढे हैं बच्चों, देखिए कौन सबसे ज़्यादा शब्द ढूंढ पाते हैं। अगर आपको भी और शब्द आप ढूंढ पाते तो आप लिख सकते हैं इसको अपनी कॉपी पे। तो यहाँ पे पुराना दोस्त, खास दोस्त, याचकन, तुम्हारे पड़ोसी, कई सालों, तुम्हारी अकल, मामूली सी पोशाक, अन्य पड़ोसी, इतनी सी बात। ओके, अब आगे देखिए, भड़केली पुराना शब्द, पुराना जैसे शब्द किसी के बारे में कुछ खास या विशेष बात बता रहे हैं, इसलिए इन्हें विशेषण कहते हैं। आपका व्याकरण में आया होगा विशेषण किसे कहते हैं, तो जब किसी चीज़ की क्या विशेषता बताई जाती है तो उसको क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो भड़कीली मतलब चमकीला, कुछ चीज़ क्या है, चमकीला कपड़ा क्या था, भड़कीला चमकीला पोशाक था, तो उसकी क्या विशेषता बताई जा रही है तो उसे विशेषण कहते हैं। आगे देखिए बच्चों इसमें, इसमें है यहाँ पे शब्दों का हेर फेर, शब्दों का हेर फेर, झूठा जूठा, इन शब्दों को बोलकर देखो, ये मिलती जुलती आवाज़ वाले शब्द हैं, जरा से अंतर से भी शब्द का अर्थ बदल जाता है। तो नीचे इसी तरह के कुछ शब्द के जोड़े दिए हैं गए हैं, इन सब के अर्थ अलग अलग हैं, इन शब्दों का वाक्य प्रयोग करो। घड़ा गड़ा, सबसे पहला है घड़ा गड़ा, इसमें है
घड़ा, कुम्हार घड़ा बनाता है और गड़ा सुनार हार गढ़ता है। फिर है घूम झूम, घूम झूम घूम, बच्चे पार्क में घूम रहे हैं और बच्चा गाना सुनकर झूम रहे हैं। फिर है राज, राज दो राज हैं, दो तरह के, एक क्या होता है भारत में अंग्रेजों का राज रहा और घर के राज कहीं नहीं बताना चाहिए, तो दो प्रकार के राज होते हैं। इसमें देखो फन, फन जोकर अपने फन में माहिर होता है, फन मजाक, फन सांप अपना फन उठाता है, सांप का फन देखा होगा। फिर इसमें सजा, सजा सजा दीपावली में सारा शहर सजा रहता है वो सजा, और सजा एक चोरी करने की सजा होती है। खोल खोल खोल, दुकानदार ने दुकान खोल दी और गुस्से के कारण राम का खून खोल उठा। ठीक है, इस तरीके से आपको इनको करना है। यहाँ पे देखिए मैंने ये कुछ प्रश्न बनाए हैं बच्चों, ये जितने मैंने आपको समझाए यहाँ पे है, ये घड़ों पानी मुहावरे थे और शब्दों के हेर फेर, ये सारे बच्चों इसमें मैंने दिए हैं, इनको आप यहाँ से देख के करिएगा। और इसमें कुछ प्रश्न बनाए मैंने, नसरुद्दीन किससे मिलकर बहुत खुश हुआ, नसरुद्दीन अपने पुराने मित्र जमाल साहब से मिलकर बहुत खुश हुआ, जमाल साहब ने घूमने जाने से मना कर दिया, क्यों कर दिया, जमाल साहब घूमने से मना कर दिया क्योंकि उनकी पोशाक मामूली सी थी। छोटे छोटे प्रश्न मैंने आपके लिए आपकी बुक से बनाए हैं, आप भी अगर आपको कुछ नए कुछ प्रश्न दिखते हैं इस पार्ट में तो आप भी बना सकते हैं। ये 5 प्रश्न मैंने बनाए हैं, इसमें है नसरुद्दीन ने अपने पड़ोसी को जमाल साहब की पोशाक के बारे में क्या बताया, तो नसरुद्दीन ने अपने पड़ोसी से कहा जमाल साहब ने मेरी अचकन पहन रखी है, तो नसरुद्दीन ने हुसैन साहब से क्या कहा, नसरुद्दीन ने हुसैन साहब से कहा जमाल साहब मेरे पुराने मित्र हैं, उन्होंने जो अचकन पहनी है वो उनकी अपनी है। अब देखो इसमें जमाल साहब ने नसरुद्दीन को क्या समझाया था, जमाल साहब ने नसरुद्दीन को समझाया था कि पोशाक के बारे में कुछ न कहना ही अच्छा होगा, आप कुछ नहीं बताएंगे तो ही चलेगा, इस अचकन के बारे में, इस पोशाक के बारे में मत बताइएगा। तो ये प्रश्न, 5 प्रश्न मैंने आपको पाठ से बनाए हैं, अगर आपको भी नए कुछ मिलते हैं तो आप भी बनाइएगा, और जो मैंने अभी समझाई है बुक से ये आपके मुहावरे हैं और शब्दों के हेर फेर, इनमें क्या करना है वाक्य बना के मैंने दिए हैं आपको, यहाँ तक दिया आज आपका होमवर्क है।